वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से कृषि क्षेत्र और किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा था कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम करेगी। ये साल 2022 है और किसानों को उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसे निर्णय ले जिससे कि किसानों की आय पर सीधा असर पड़े। किसानों की उम्मीद इसलिए भी बड़ी है क्योंकि MSP में हर साल आशातीत बढ़ोतरी हो रही है और सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस भी लिया है। अब जब 1 फरवरी को बजट पेश होगा तो किसान सस्ती दरों पर लोन, खेती के लिए नई तकनीकों का प्रोत्साहन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि उत्पाद निर्यात, फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन, यूरिया पर कम निर्भरता और कृषि क्षेत्र के विधिवत विकास जैसे मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया के इंतजार में रहेंगे। इस बजट में छोटे किसानों के लिए लोन की सुविधा को और बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। भारत में सबसे अधिक छोटे किसान हैं और अगर उन्हें आसानी से समय पर लोन मिले तो स्थिति में सुधार होगा। वहीं फसल बीमा को किसानों के अनुकूल और इसमें विस्तार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन समय की जरूरत है। ड्रिप और लिफ्ट इरिगेशन जैसी तकनीक पर ध्यान देकर असिंचित क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स में रियायत, कम ब्याज पर लोन और इंसेंटिव देने पर विचार कर सकती है। फसल बुआई से पहले और कटाई के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार मोबाइल सॉयल टेस्टिंग लैब, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के लिए बजट में विशेष प्रावधान करे तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भारत अभी भी खाद्य तेल में आयात पर निर्भर है। खाने के तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल $10 बिलियन सरकार को खर्च करना पड़ता है। इस बजट में सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि तिलहन उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आयात से निर्भरता कम हो। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि भारत 1990 में खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बन गया था, लेकिन बाद में स्थिति बदतर होती गई। नीतियों के जरिए सरकार को इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव करना चाहिए। हाल ही के वर्षों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। कुछ राज्यों में सरकारें फसल विविधीकरण पर ध्यान दे रही हैं। इस बजट में वित्त मंत्री को चाहिए कि वे जैविक खेती और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करें। अगर किसान पोषण से भरपूर बाजरा जैसी फसलों की खेती करते हैं तो इससे भारत को पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अपने देश के किसान खाद के मामले में यूरिया पर सबसे अधिक निर्भर हैं। पोटाश और फॉस्फेटिक खाद की कीमतों के मुकाबले यूरिया का रेट कम है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यूरिया के चलते मिट्टी और उर्वरकता पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। अगर सरकार यूरिया से निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाती है तो आने वाले समय के लिए यह काफी लाभकारी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV.